हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जेओसी के अंदर हम टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कर चुके हैं, एरोमेटिसिटी एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, चार टॉपिक्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चों यूं लगा लीजिए आपका हर रिएक्शंस में काम आएगा। जब हम केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट से, वहीं से ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा और कंप्लीट बेटे लास्ट लेक्चर तक चलेगा। इसलिए ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझना है, डेट इज योर आइसोमेरिज्म। बिल्कुल डेप्थ से स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए आगे करें स्टार्ट। आइए, आइसोमेरिज्म है क्या बच्चों? उससे पहले हम देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स दो वर्ड्स लिख के बना है, एक है आइसो और दूसरा है बच्चों मर्स। डेट इज योर आइसो मतलब होता है सेम और मर्स मतलब होता है पार्ट्स। जहां पर सेम पार्ट्स हो उनको हम क्या बोल देते हैं? आइसोमर्स बोल देते हैं। कुछ ना कुछ चीज क्या हो, सेम हो। जैसे कि आपने पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में, आइसोटॉप पढ़ा है, आइसोबार पढ़ा है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होता है? हैविंग व्हाट? सेम, बोलो, मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पढ़ा था आपने, तो जो यानी कुछ ना कुछ चीज इनमें क्या हो गई, सेम हो गई, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? आइसोमर्स नाम दे दिया, ठीक है? अब आइसोमर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? टेंथ तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि आइसोमर्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नो बेटे, ये अब नहीं चलेगी डेफिनेशन, वो आधी अधूरी डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन भी दो कंपाउंड के बच्चों फॉर्मूला सेम हो, कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए, फिजिकल और केमिकल, उसको हम क्या नाम दे देंगे कि वो कंपाउंड्स कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स नाम देंगे, ठीक है? दो आइसोमर्स का आईपीएससी नेम सेम भी हो सकता है बच्चों, या डिफरेंट भी, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है? देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, C2H6O, ठीक है? इससे बच्चों मैंने दो कंपाउंड बनाए, एक है इथेनॉल और एक है मिथॉक्सी मिथेन इथर, एंड यू आर वेरी फेमिलियर ऑफ दिस कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर में हम कर चुके हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये आपका इथर ग्रुप है बच्चों। प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या ये एच पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है? पर ये आपका एच पॉजिटिव नहीं दे सकता है। यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ या सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो H2 गैस लिबरेट होगी, यहां नहीं होगी। यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों NaNH2 के साथ, तो यहां पर अमोनिया गैस लिबरेट होती है, यहां नहीं होती है, ठीक है? इसका जो बेटे ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, खैर ये तो नहीं करेगा, ना ये कर रहा है ना वो कर रहा है, इसको हटाइए। हाँ जी, नेक्स्ट, इसमें क्या प्रेजेंस है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो हाई होता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है। तो यहां पर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास तो बच्चों सेम है, पर प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया कि ये दोनों कंपाउंड कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम इनको? आइसो
मर्स नाम देंगे। क्लियर है, चले आगे। तो लेट अस स्टार्ट हियर एंड द फिनोमेनन को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, आइसोमेरिज्म नाम दे दिया फिनोमेनन को। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म मेनली दैट इज ऑफ टू टाइप्स, जो आप आपको मैं एक बार सारा बता देता हूं कि इस आइसोमेरिज्म के जीओसी के आइसोमेरिज्म टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फिर है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए एंड यदि आप टाइप्स देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, चेन, पोजिशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड वन मोर इज योर टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट इज ऑफ योर सिक्स टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बच्चों टोटल आपके दो टाइप रहेंगे, एक है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड एक है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर इज योर टू टाइप्स, वन इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देख लीजिए बच्चों, अब हमने ये सारा का सारा जितने मैंने टाइप्स पर लिखवाए हैं ये आपको अब इस टॉपिक के अंडर स्टडी करना है। ओके, तो लेट अस फर्स्टली स्टार्ट योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बेटे कि आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अब वो हम लाइन यूज ही नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हुए, द आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन थ्री डायमेंशन, इनका बेटे स्ट्रक्चर ही अलग अलग होता है, अरेंजमेंट ही टोटली अलग अलग होता है, बॉन्ड ही आपके चेंज हो जाते हैं। अरेंजमेंट कह लो भाई, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। ठीक है, ओके, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट, बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे पीछे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, देखो ये एग्जांपल है, अब जो लिखा है मैंने ऊपर क्या ये पूरा हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो दिखने में अलग दिख रहा है भाई हमें, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, बिल्कुल है, ओ के साथ एच है, ओ के साथ सी है, ओ सी सी अलग हो गए, यहां कार्बन के साथ पांच कार्बन जुड़ गए, यहां कार्बन के साथ पांच कार्बन के साथ पांच हाइड्रोजन, और यहां बेटा दो कार्बन के साथ पांच हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर दो कार्बन के साथ छह हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब और क्या लिखा हमने, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफर होंगे बच्चों। देखो यहां क्या है, ओ एच बॉन्ड, यहां कहीं भी ओ एच बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आईपीसी नोमेनक्लेचर वो भी डिफरेंट आ गया, इसका नाम क्या बेटे, इथेनॉल, इसका क्या है, मिथॉक्सीमीथेन। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो आज हम स्टडी करेंगे बेटे पहले दो टाइप, दैट इज योर चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन। मैं एक बार पहले डेफिनेशन बता देता हूं, चेन आइसोमर्स क्या है, या इसको हम स्केल्टन आइसोमर्स भी बोल देते हैं, या बच्चों इसको हम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इन आइसोमर्स में क्या होगा, यहां पर जो मेन चेन है वो आपकी डिफर होगी किन्हीं भी दो आइसोमर्स की, फंक्शनल ग्रुप आपके सेम रहेंगे, वो ध्यान देना है, वो डेट इज योर होमोलोगस सीरीज रहेगी, है ना। सॉरी, होमोलोगस सीरीज में तो सीएस डिफर हो जाते हैं, यहां पर मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सब सेम रहना है यहां पर, ठीक है, पर मेन पॉइंट है कि फंक्शनल ग्रुप ही सेम रहेंगे, ध्यान रखना। तो मेन चेन क्या हो जाएगी बच्चों, डिफर हो जाएगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूं, ये रहा आपका ब्यूटेन, यहां देखो फॉर्मूला सेम है, पर यहां मेन चेन चार की है, यहां मेन चेन तीन की है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कि दोनों क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है। अब चेन आइसोमेरिज्म जो होगी, यदि मैं बच्चों एल्केन की बात करता हूं, एल्केन में ये कहां से शुरू होगी, फोर कार्बन एटम से शुरू होगी। अब ये मत करना कि सर ये तीन है और लो सर होगी चेन आइसोमेरिज्म, बच्चों वन टू थ्री, वन टू थ्री, दे आर नॉट चेन आइसोमर्स। क्लियर है, ये है चेन आइसोमर्स, क्यों, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, यहां चेन तीन की, यहां चेन चार की। क्लियर है, ये चेन से बाहर हो गया, तो ये चेन आइसोमर्स है, ये चेन आइसोमर्स नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है कि एल्केन में मिनिमम आपको चार कार्बन एटम चाहिए जहां से आपकी चेन आइसोमेरिज्म शुरू होगी। ऐसे ही बच्चों एल्कीन में मिनिमम कितने चाहिएंगे आपको, बोलो चार, और एल्काइन में चाहिएंगे पांच। ठीक है, देखते हैं। अब यदि मैं एल्कीन की बात करूं, तो एल्कीन में भी आपकी जो चेन आइसोमेरिज्म है वो ब्यूटीन से ही स्टार्ट होनी है। कहां से स्टार्ट होगी, ब्यूटीन से स्टार्ट होगी। देखिए, जैसे ये रखा मैंने, ठीक है, आप ये लो, क्या किया मैंने, ये जो H है इस CH3 को और इस H को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मैं CH3 को ले आया इधर और H को ले गया इधर। ठीक है, ये देखो, और तो कुछ नहीं छेड़ा ना बच्चों ने। ठीक है, तो यहां चेन वन टू थ्री, यहां चेन वन टू थ्री फोर, दे आर कॉल्ड व्हाट, चेन आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे ही अब क्या पॉइंट ध्यान देना है, एल्काइन में जो चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी ना बच्चों, वो आपकी चार से नहीं, पांच कार्बन से शुरू होनी है, ये ध्यान देने। जैसे मैं लिखूं ये, कहां करोगी बताओ भाई, जो टर्मिनल CH3 है, यूं करोगे कि ये एच यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, ये कलाकारी नहीं करनी है बेटे, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे मत करना, ये भी वन टू थ्री फोर है, ये भी वन टू थ्री फोर है, ऐसा नहीं करना है। अब ये भी मत करना कि सर इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, उससे क्या हो जाएगा बोलो, ये लो आपने CH3 और ये H इंटरचेंज कर दिए, यहां भी चेन चार की ही है, ये चेन आइसोमर्स है ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान देना चीज को। तो क्या लगा पता हमें कि एल्काइन्स में जो चेन आइसोमेरिज्म है वो आपकी फोर कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी, वो बेटे पांच कार्बन से स्टार्ट होगी, आप देख लीजिएगा। ये अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको निकलना चाहिए, तो जुड़ा ही हुआ इससे ये, ठीक, देखो क्या करेंगे,
एच एच, अब इस एच को लेगा मैं इधर, ये लो अब यहां क्या ले आया मैं सी एस थ्री, ये लो बेटा सी एस थ्री एच, तो यहां पर चेन चार की, यहां पर चेन पांच की, अब ये बने क्या चेन आइसोमर्स। एनी डाउट? ओके चले आगे, ठीक है चलो। अब जैसे मैंने ब्यूटेन में, यदि मैं ब्यूटेन का केस लेता था अभी, जैसे पीछे कराया था मैंने, भाई ब्यूटेन में कितने बन सकते हैं चेन आइसोमर्स, हाउ मेनी, ओनली टू, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। ऐसे यदि हम पेंटेन की देखें तो बच्चों, भाई पेंटेन के अंदर कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, यहां कितनी चेन है पांच की, तो क्या करोगे चार की कर लो, ये लो ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये और ये सेम है, बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर हैविंग व्हाट सेम आईपीसी नॉमनक्लेचर, और मैंने आपको भी बताया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो आईपीसी नॉमनक्लेचर है वो बच्चों 100% डिफरेंट होगा। इसका भी नाम क्या है, 1,2,2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी 1,2,2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ऐसा नहीं करना, ये दोनों सेम है। और क्या कर सकते हैं, तीन की चेन कर सकते हैं ना, ये रहा व्हाट इज दिस नियोपेंटेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आइसोपेंटेन, ये क्या है नॉर्मल पेंटेन, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको। सेकंड पोजीशन पर क्या लग गया मिथाइल, सब सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लग जाए उसको क्या बोलते हैं आइसो एंड पेंटेन, देखो ये रहा ये क्या था आइसो ब्यूटेन, सेकंड पर मिथाइल जब लग जाता है, जब सेकंड पर दो मिथाइल आ जाते हैं 1,2 उसको क्या बोलते हैं नियो, अब टोटल कार्बन कितने हैं पांच, तो ये क्या बच्चों आपके कॉमन नॉमनक्लेचर है, आप ध्यान रखना इसके लिए कोई रूल नहीं है आपका, ठीक है ना। ऐसे ही यदि मैं बात करूं हेक्सेन की, यस नेक्स्ट आ गया हेक्सेन, तो हेक्सेन के कितने बनेंगे देखते हैं बना के, भाई क्या करना क्या है आपको, चेन छोटी करते चलो ना, भाई हेक्सेन दे दिया C6H14, ये लो पांच की चेन करो 1,2,3,4,5 यहां ले आओ, फिर पांच की करो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, यस ये रही पॉसिबिलिटी। अब सुनो ये और ये सेम है ऑब्वियसली, है ना, बोलो 1,2,2 मिथाइल पेंटेन, 1,2,2 मिथाइल पेंटेन, तो ये और ये सेम हो गई, यहां ले आओ ठीक है। अब पांच में तो आपकी यही पॉसिबिलिटी बनी, अब चार की कर लेते हैं 1,2,3,4 ये लीजिए ठीक है। अब फिर ध्यान दो ये और ये सेम है 1,2,2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1,2,2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये और ये सेम, ये और ये सेम, तो इसको हटाओ इसको भी हटाओ, ध्यान देना है ओके। और कोई पॉसिबिलिटी, यस रह गई क्या, मैं ऐसे कर लेता हूं ये रही ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी जो बनाओगे, मैं पहले बता रहा हूं बच्चों, बनाओगे आप क्या बनाओगे बताओ, अब सर एक और आगे, हाँ अकॉर्डिंग यू तो आगे बेटे ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं पर आपके अकॉर्डिंग तो आगे बेटा 1,2,3,4,5,6 ये यही है, ध्यान देना इस चीज को। फर्स्ट पोजीशन पर कभी भी मिथाइल ग्रुप नहीं आ सकता, मैंने बताया था आपको, ध्यान रखो इस चीज को ठीक है ना। तो ये बेटे आपकी चेन आइसोमर जो मैंने बताई आपको, ब्यूटेन में ऐसे बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, क्लियर है चले आगे। अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम पोजिशन आइसोमर्स के, पोजिशन आइसोमर्स देखो, पोजिशन तो सिंपल है, क्या होगा पोजिशन में, नेक्स्ट पोजिशन आइसोमर्स की बात करें क्या होना है, यहां पर पोजिशन चेंज होगी किसकी, या तो डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, किसी प्रीफिक्स की, किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन चेंज हो जाएगी, उसको आप क्या बोल दोगे पोजिशन आइसोमर्स बोल दोगे ठीक है। जैसे बच्चों ये लो ये क्या है ब्यूट वन इन, ये क्या है ब्यूट टू इन, तो दे आर कॉल्ड व्हाट पोजिशन आइसोमर्स ठीक है। अच्छा बच्चों मैंने लिख दिया ये OH,
one propanol, yeah, propane 1-ol. This is propane 2-ol. This is 1 chloropropane. This is 2 chloropropane. तो जहां पर भी आपकी पोजिशन चेंज हो जाती हो उसको हमने क्या नाम देना है, पोजिशन आइसोमर्स. बिल्कुल सिंपल है. एरोमेटिक मैंने आपको बताया था ये कौन सा है, 1-2. ऑल आर व्हाट, 1-3. ये क्या बन गया, 1-3, 1-4. तो क्या है सारे के सारे, ऑल आर व्हाट, पोजिशन आइसोमर्स. 1-2 क्या नाम दिया था, ऑर्थो. इसको 1-3 को मेटा, 1-4 को पैरा. और कुछ मेरे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे कर देंगे, फिर गलती करोगे. सर एक और बन गया, ये लो सर एक और बन गया. 5 मत बना देना, 3 ही आएंगे. ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्लियर है ना. तो एरोमेटिक में बेंजीन के अंदर 3 बनेंगे, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है. और यदि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक ही बनाएगा. अब मुझे ध्यान है लास्ट ईयर बच्चों ने इनको डिफरेंट बताया था. बच्चों ये ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, ये मत बोलना सर दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी मेटा है ये भी ऑर्थो. यहां तो कोई नहीं था इस ग्रुप पे, फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं है ना. तो ऑल आर व्हाट, सेम एक ही कंपाउंड है, क्लियर है. चले आगे. ओके नाउ स्टार्ट आगे करते हैं. अब थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे. आज सिर्फ बच्चों चेन की और पोजिशन आइसोमर्स की बात करेंगे. मेरा मोटो है आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेटे डेप्थ में समझाने का, ठीक है. तो समझिए टॉपिक्स को. पहला पॉइंट क्या है कि एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स में चेन एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म इकट्ठी नहीं हो सकती बच्चों. जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, अभी लिया था ये पेंटेन की, मैंने 3 बनाए थे ना यदि याद हो. ये बनाया था, ये पेंटेन ही है. अब ये मत बोलो कि सभी क्या बना दिया, कार्बन 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 कार्बन. देखो ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये भी सीखो साथ साथ, ठीक है ना. 1-2-3 बताओ, 1-2 के बीच में क्या रिलेशन है, चेन. 1 और 3 के बीच में चेन, 2 और 3 के बीच में चेन. तो ऑल आर व्हाट, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स नहीं है. तो इस चीज का ध्यान रखें. तो एल्केन्स में 2 आइसोमर्स, ना तो वो दोनों चेन हो सकते ना वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते. मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, 2 आइसोमर्स के बीच में सेम अलग अलग रिलेशन भी हो सकता है. अलग अलग का मतलब वो दोनों चेन भी हो सकते हैं या वो दोनों बेटे पोजिशन भी हो सकते हैं. इस चीज का ध्यान रखें. मैं एग्जाम्पल से कराता हूं. अब जैसे मैंने हेक्सेन के बनाए थे, अभी हेक्सेन में ये था 1-2-3-4-5-6. चलिए एक बार फटाफट इसको लिख लेते हैं. 6, फिर आपने 5 की चेन की थी इस तरह, फिर ये किया था, फिर चेन 4 की कर दी थी इस तरह, और फिर आपने फाइनली ये कर दिया था. यहां पर 3 की चेन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों. दिस इज व्हाट नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, ठीक है. ये कौन है, नियो हेक्सेन. देखो कार्बन के चारों साइड क्या है, कार्बन, तो नियो हेक्सेन. अब बोलो 1-2-3-4-5, क्या क्या रिलेशन है. 1-2-3 यहां कर लो, 4 इसको कर लो, 5 इसको. बोलो 1-2 के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों. 1-2 चेन, 1-3 चेन, 1-4. देखो सब देखिए, यदि आप ये ले रहे हो ना, चाहे 1-2 हो, 1-3 हो, 1-4 हो, 1-5 हो, ऑल आर चेन आइसोमर्स. क्यों, यहां 6 की है, बाकी में 5 की है, 4 की है, तो यहां तो लिखना ही नहीं है. तो 1-2, 1-3, 1-4 ये सारे के सारे क्या हुए, चेन आइसोमर्स. क्या इनके बीच में रिलेशन है पोजिशन आइसोमर्स का, नहीं है. क्लियर है ना. ओके
अब बात करते हैं 2-3 की, 2-4 की, 2-5 की। 2-3 ये चेन नहीं है, ये क्या है, पोजीशन है। 2-4 पोजीशन नहीं है, ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन है ये। यहां एक सी स्त्री ग्रुप, यहां दो है, यहां चेन 5 की, यहां 4 की है, तो ये चेन आइसोमर्स होगा। 2-5 या चेन, यहां 5 की चेन है, ठीक है, यहां भी 5 की है इसलिए पोजीशन, यहां 4 की इसलिए चेन, यहां 4 की इसलिए चेन। अब आ जाओ 3-4 में और 3-5 में, 3 ये रहा, 3-4 में क्या है रिलेशन बोलो, चेन यहां 4 की, यहां 5 की, यहां भी चेन, तो बोथ आर व्हाट, चेन आइसोमर्स। कौन बचा, 4 और 5, क्या रिलेशन हुआ, यहां चेन 4 की, यहां भी चेन 4 की, तो ये कौन से हुए, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये आपको ध्यान देना बच्चों कि एल्केन्स के केस में किन्हीं दो आइसोमर के बीच में एक ही रिलेशन हो सकता है, या तो वो होंगे चेन आइसोमर्स या वो होंगे पोजीशन आइसोमर्स, दोनों आइसोमर्स इकट्ठे नहीं आ सकते। या आप कह लीजिए कि दो आइसोमर्स में, एल्केन्स में चेन और पोजीशन आइसोमर्जम इकट्ठे नहीं आ सकते, आइदर वो शो करेंगे चेन आइसोमर्जम और वो शो करेंगे पोजीशन आइसोमर्जम। हाँ, एल्कीन में और एल्काइन में चेन आइसोमर्जम और पोजीशन आइसोमेरिज्म इकट्ठी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। और ऐसे केस में आपको चेन आइसोमेरिज्म को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, कैसे, पी सी एम, ठीक है, फिर आपका एफ, फिर है टी, फिर है लिंक, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए, क्लियर है, ओके। अब क्या मतलब है इसका, पोजीशन चेन, व्हाट इज दिस, मेटामेरिज्म, फंक्शनल टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन। तो आप ये फार्मूला याद कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी तरह कर लो बच्चों, पीछे चल पड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिर एफटीआर कुछ बना के याद करो, अपने आप याद करो। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है बच्चों आइसोमेरिज्म में। यानी मेरा कहने का मतलब, यदि ऑप्शन पूछ लेना भाई किसको प्रेफरेंस दोगे, यदि दो आइसोमर्स के बीच में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म आ गई, चेन या पोजीशन, तो आपको ये बोलना है कि दे आर चेन आइसोमर्स, एक पूछना चाह रहा, तो चेन को पोजीशन से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है यदि ऑप्शन एक से ज्यादा आए तो, या सॉरी एक ही ऑप्शन यदि आपको चूज करना है तो चेन करोगे रादर देन पोजीशन, ठीक है ना। चलिए, जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, अपने आप फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए ऐसे ही, जैसे हमने बेटा अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए हेक्सेन के, तो हेक्सेन के जब आपने अभी गिने थे तो कितने बने थे, टोटल 5 आइसोमर्स बने थे, ठीक है ना, टोटल आपके 5 आइसोमर बनाए थे हेक्सेन के। ब्यूटेन के देखो कितने बने थे, ब्यूटेन के बने थे 2, ठीक है, पेंटेन के बने थे 3, और हेक्सेन के बने हैं आपके 5, और बच्चों आपके हेप्टेन के बनेंगे 9, ऑक्टेन के बनेंगे 18, और नोनेन के बनेंगे 35, और डेकेन के ऐसे बनेंगे 75। बना के नहीं देखने हैं, मैक्सिमम आपसे हेप्टेन ऑक्टेन तक आ सकता है, ये तो वैसे याद कर लेना बच्चों, आ जाए तो भैया करो भाई, नॉन एनिमल इतने बने, ये टोटल आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पोजीशन प्लस चेन आइसोमर्स हैं ब्यूटेन से लेकर डेकेन तक, क्लियर है। चलो अब मैं एल्कीन की बात करता हूं, मैंने ये कहा कि एल्कीन में या एल्काइन में तो पोजीशन है या रिंग चेन, सॉरी चेन, वो इकट्ठी आ सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं C5H10 में, पहले आप इसके आइसोमर्स बना के देखो, सबसे पहला आइसोमर्स बच्चों मैंने ये बना लिया, फिर मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, ये लो। अब एक ध्यान रखना, क्या मैं साथ साथ बता रहा हूं बच्चों, ये और ये सेम है, ध्यान देना, 1-2 1-2, ये भी पेंट 2 इन है और वो भी पेंट 2 इन है। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आप चेन कर दो कम, ये लो यहां कर दो,
एक बार CH3 कर दो यहां पर, ठीक है, एंड एक बार कर दो CH3 यहां पर, क्लियर हुआ? ओके, अब चलिए अब क्या करेंगे, यहां ले आते हैं, यहां CH3 कर लो, यहां करोगे तो भी बात वही है, गड़बड़ मत करना, ये भी बात वही है, ठीक है ना, ये और स्ट्रक्चर क्या हुए सेम। तो टोटल हमारे पास बेटे 5 स्ट्रक्चर्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं हम 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 में। 1, 2 देखिए क्या है पोजीशन, ठीक है, 1 और 3 देखिए पोजीशन तो नहीं है पर चेन है, 1, 4 देखिए, 1, 4 हमने नाम किसको दिया है, यस इसको, ये तो हटाइए बीच में से क्योंकि ये सेम आए हुए हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 1, 4 में देखो पोजीशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड फर्स्ट, डबल बॉन्ड कौन सा हुआ सेकंड, प्लस चेन भी कम, अब 1, 4 आप में चेन भी है और इसमें पोजीशन भी है, ये ध्यान देना है, ठीक है। 1, 5 देखिए, 1, 5 डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, चेन भी चेंज, तो यहां भी ऐसे, क्लियर बच्चों। अब आप प्लीज हमने आप सॉल्व करो किसका, 2, 3 का, 2, 4 का, 2, 5 का, अपने आप सॉल्व करके देखो बच्चों, सारे मैंने कराऊंगा, ठीक है ना, अपने आप करो, फिर करोगे किसका, 3rd और 4th का करोगे और फिर 3rd और 5th का, क्लास में पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान देना इस चीज को, 3rd और 4th, 3rd और 5th और फिर 4th और 5th, ये आप अपने आप खुद करें, क्लियर है। तरीका मैंने बता दिया है, जैसे इन चार को मैंने करके दिखा दिया है, पोजिशन चेंज तो पोजिशन आइसोमेरिज्म, चेन आपकी सेम है, इसमें चेन भी कम हो गई पर पोजिशन सेम है, तो यहां पर चेन, इसमें पोजिशन चेंज होगी डबल बॉन्ड की, चेन कम होगी तो पोजिशन भी होगी और चेन भी, 1/5 में पोजिशन भी चेंज है, चेन भी कम हो गई तो इसमें चेन भी आई है और पोजिशन भी, क्लियर बेटे, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप, और ये टॉपिक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स में कराया भी है, हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स मैंने आपको कराए थे आई थिंक नॉमेनक्लेचर का, जहां तक मुझे ध्यान हो बच्चों शायद 3rd लेक्चर हो, एक बार देखना लेक्चर नंबर 3rd में हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स कराया था मैंने आपको, एक बार देख लीजिए। देखो मिथाइल, मैं बात करता हूं प्रोपेन की, अब कहां कहां जुड़ सकता है एल्काइल ग्रुप, यहां और क्या बताया था यहां, तो वहां पर प्रोपाइल यदि बनता है C3H8 में से, मैंने -1 खंड हटाया तो ये बना C3H7, तो C3H7 की 2 पॉसिबिलिटी, तो इसका नाम क्या है एन प्रोपाइल, इसका नाम क्या है आइसोप्रोपाइल, थर्ड लेक्चर में या सेकंड थर्ड में बेटा देखना है, चेक करना, मैं सारे करा चुका हूं आपको, ठीक है ना। ऐसे यदि मैं ब्यूटेन ले रहा हूं C4H10, मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना बच्चों C4H9, देखो यहां से, ठीक है, CH3 CH2 CH2 HH, या CH3 CH2 यहां से जुड़ जाए, क्लियर है ना, ध्यान देना चीज को, ये और ये सेम है, इस चीज का ध्यान रखना, ये और ये सेम है, नॉर्मल ब्यूटाइल, दिस इज व्हाट सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखो ये किससे बने हैं, ये बने हैं नॉर्मल ब्यूटेन से, इससे भाई नॉर्मल ब्यूटेन से बने ना, ब्यूटेन के मैंने अभी आपको 2 आइसोमर बनाए थे, एक तो ये बनाया था और एक क्या बनाया था, ये बनाया था आइसोब्यूटेन बनाया था ना। अब इससे कितने बन सकते हैं बोलो, इससे 2 बन सकते हैं, कैसे, CH3 CH3 H H, और ये इसका नाम क्या है आइसोब्यूटाइल। यदि मैं यहां ये H हटा दूंगा, यहां पर यदि बॉन्डिंग है तो बच्चों इसका नाम क्या है बोलो, टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या था आइसोब्यूटाइल, ठीक है, ये क्या था सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये क्या था नॉर्मल ब्यूटाइल, क्लियर। तो यहां पर कितने आइसोमर बन गए, अब
चार, मैंने कहा है ब्यूटाइल के टोटल चार आइसोमर्स बनेंगे, ब्यूटेन की नहीं कह रहा हूं, ब्यूटाइल के टोटल चार आइसोमर्स होंगे। ऐसे ही पेंटाइल के आपके आठ आइसोमर्स हो जाएंगे। ये कहां जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को देखिए मैं कराऊंगा एक बार आप ना पेंटाइल की ओर चेक कर लो। बिल्कुल आसान है बच्चों, भाई आपको दे दिया C5H12। पहले ये बताओ पेंटेन के कितने हैं? ए ये हैं भाई, पेंटेन के टोटल तीन आइसोमर, मैं पेंटेन की बात कर रहा हूं बच्चों, CH3, CH2, एक ये था। तो पेंटेन के टोटल तीन आइसोमर बने थे ना। अब क्वेश्चन है पेंटाइल के कितने बनेंगे? यहां पर देखो, हो सकता है कि सबसे पहले यहीं से जुड़ जाए नॉर्मल पेंटाइल, या वो यहां से जुड़ जाए पेंट टू आई, याद कीजिए मैंने बताया था पहले आपको, हो सकता है कि ये मेन चेन से यहां से जुड़ जाए पेंट थ्री आई। ओके अब यहां पर आ जाओ, तो इससे आपके तीन बने, ठीक। अब एक बार इससे कर लें, देखो CH3 CH2 CH, यहां से जुड़ जाए, क्या बढ़ गया आइसो पेंटाइल, दिस इज आइसो पेंटाइल, सेकंड कार्बन मिथाइल है। यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात एक ही है, फिर बोलना मत इस चीज को, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। यदि ये चटा रहा हूं CH3 CH2 यहां जुड़ जाए तो बच्चों क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो टर्शरी पेंटाइल। अब ये हटा दो एक बार, CH3 यहां H, दिस इज, तो इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना बच्चों, इसका नाम क्या है, नियोपेंटाइल। क्या नाम इसका, अब नियोपेंटाइल। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चों, आपको दे दिया क्वेश्चन भाई C5H11Cl, इसके टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं, इस तरह यदि क्वेश्चन आ जाए तो ये रही आपकी टोटल आठ पॉसिबिलिटी, देखिए आठ है या यस, एक दो तीन, एक मिनट चेक कर लेना बच्चों, शायद एक कोई रह गया मेरे ख्याल से, देखो एक बार, हाँ वन वन वन, हाँ इसका एक और रह गया ना बच्चों, देखो इसका ये भी रह गया H CH3 CH3, ये भी रह गया आपका, ठीक है ना। तो तीन और चार सात और एक आठ, तो आठ पेंटाइल ग्रुप हमें मिले। अब क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि इसके आइसोमर बनाओ भाई, तो टोटल लास्ट पॉसिबिलिटी होगी बच्चों हमारे, मेरा कहने का समझो, सीएल यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, मैंने इस कार्बन पर लगा दिया और इस कार्बन पर लगा दिया। जब आप इनके नॉमनक्लेचर करोगे सबके क्या आएंगे, डिफरेंट नॉमनक्लेचर, तो ये आपको समझना है। क्या नाम इसका बोलो, 1 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन, यहां पर नंबर यहां से करेंगे 1 2 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 पर सीएल 2 पर मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका 2 क्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका बच्चों नंबर यहां से करेंगे, यहां से 2 पर क्लोरो 3 पर मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहां से 1 2 3, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये आपके टोटल आठ आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। अब पेपर में बच्चों इनको अब आप
बना के ना देखें बच्चों, याद कर लें, ठीक है ना। ओके चले आगे। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे कि इन केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, यदि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH आ जाए, SO3H आ जाए, ठीक है, या प्रीफिक्स आ जाए FCl, Br, I, नाइट्रो ग्रुप एटसेट्रा, तो वहां पर आपकी दोनों आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, जैसे कि मैंने करके दिखाया अभी, चेन आइसोमेरिज्म भी और पोजिशन आइसोमेरिज्म भी। एग्जाम्पल ले लें, जैसे C4H11Cl, आपसे पूछ लिया अभी कितने आइसोमर बनेंगे, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन, देखते हैं फटाफट करो भाई, एक आधा तुम अपने आप भी किया करो। ये रहे आपके टोटल चार आइसोमर्स, क्योंकि मैंने बताया था ब्यूटाइल के चार पॉसिबिलिटी हैं, तो चार बना दिए हमने, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 बोलो रिलेशन, 1 2 1 3 1 4 1 2, यहां चार की चेन, यहां भी तीन की, चलिए 1 2 चेन पोजिशन नहीं है, 1 3 पोजिशन, 1 4 क्या हुआ चेन ऑल्सो पोजिशन, यहां क्लोरीन फर्स्ट पोजिशन पर, यहां क्लोरीन सेकंड पोजिशन पर। तो प्लीज फाइंड आउट रेस्ट रिलेशंस, सेकंड थर्ड में क्या है, सेकंड फोर्थ में क्या है, थर्ड फोर्थ में क्या है, अपने आप सॉल्व करें, क्लास में से मैच करवा लें अपना आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, यदि कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना क्लास में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपको रिलेशनशिप निकालना है चेक कर लें, हाँ ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ओके एंड लास्ट वन इज, यहीं कर देते हैं बेटा इसको, ये ठीक। तो रिलेशनशिप निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आज का होमवर्क है, आपको चेन आइसोम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको फाइंड आउट करना है, कैसे 1 और 2 1 और 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह ध्यान देना, ठीक है ना। तो 1 के साथ कितने बनेंगे टोटल 8, 2 के साथ कितने बन जाएंगे टोटल 7, तो इस तरह बेटे आप करते जाएं तो लगभग आपके 40-45 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब फाइंड आउट करना है फर्स्ट के बीच में बाकी सबके बीच में क्या रिलेशन, सेकंड के बीच में बाकी सबके बीच में क्या रिलेशन, कि वो चेन है पोजीशन है, तो इस क्वेश्चन को आप करें और अपने आंसर क्लास में से मैच करवा लें, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते बस थोड़ा सा और है साइक्लिक के बारे में, साइक्लिक के क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, these are the example of what, बोलो
ये एग्जांपल है आपके चेन आइसोमर्स की, यहां चेन 5 की है, यहां चेन 4 की है, यहां चेन 3 की, ठीक है ना। अब मैंने दे दिया आपको ये, ठीक है, ये भी आपके चेन आइसोमर्स हैं, प्रीफिक्स सेम नहीं है बच्चों, यहां CH3 है, वो C2H5, यहां पर चेन ओपन चेन अलग है, तो ये भी किसके आंसर हुए, बोलो, चेन आइसोमर्स के। हाँ, यदि ऐसे होता है, दीज आर द व्हाट, बोलो, चेन आइसो, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स, यहां 1-2 पर है, यहां 1-1 पर है। अब फिर गड़बड़ करोगे तुम, एक और बना देना, सर इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बोलो बोलो क्या है भाई, 1-2 1-2 सेम है ये, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्लियर है ना, ना तो ये चेन है ना ये पोजीशन है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, टॉपिक लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरा करा दिया है, ठीक है। ये आपकी आइसोमर्स है डाइपोल ABC, ये कह रहा बच्चों बेंजीन डाइक्लोरो है या डाइक्लोरो बेंजीन, हमें नहीं पता कि ऑर्थो है मेटा है पैरा है, पर तीन पॉसिबिलिटी तो है ना, तो ये कह रहा कि उसका स्ट्रक्चर बनाओ जो आपको वन टाइप ऑफ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव लगाए। कहने का मतलब क्या है, 2 टाइप और 3 टाइप, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा डाइक्लोरोबेंजीन का जहां पर यदि मैं एक क्लोरीन और लगा दूं कहीं लगा, देखो 4 पोजीशन खाली होगी ना बच्चों, इसको कैसे समझोगे, लेट आपको दे दिया मैंने ये दे दिया, क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई एक सीएल और लगानी है, पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल 4, तो ऑब्वियसली ये रिपोजिशन मैं हर एक पर लगा कर देखता हूं, ये लो, ठीक है। इधर सीएल 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 सेम, अब नंबरिंग 1-2-4 1-2-4, ये और ये भी क्या आ गई सेम, ठीक है। चेक कैसे करना है, पैरा मेटा पैरा मेटा इस तरह, ठीक है। तो हाउ मेनी, कितने देगा ये, 3, तो सी कौन हुआ आपका, ऑर्थो हुआ, तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि बच्चों मैं मेटा पर लगा दूं, देखते लगा के ये रहा मेटा, पॉसिबिलिटी यहां लगा देते हैं एक बार, ठीक है, सीएल 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 ऑर्थो समझ में आ गए ना, एक बार मेटा को डिस्कस करते हैं। मेटा पर ऑलरेडी 2 मेटा पर लग गए, अब मुझे तीसरा सील भी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के मिलेंगे बच्चों, सील लो, एक क्वेश्चन ये खाली थी लगा दिया, अब बना के थोड़ा देखेंगे, एक बार देख लो ना बच्चों अपने आप, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है ना, ओके। अब सीएल 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 देखो क्या कहीं भी 2 इकट्ठी हैं, ये रही पैरा है भी, ये भी क्या हो गया सेम, एक क्वार्टर है, ठीक है, क्लियर। अब 1 हाँ जी, मैंने मेटा भी लगाया था ना, यहां पैरा लगा चुके थे, ये रहा अच्छा दिस वन, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, तो 1-2-3 1-1-2-4, अब ये क्या है 1-2-3-4-5, क्लियर है। या यदि मैं इसको लगाता हूं पैरा पर, तो बताओ कहीं पर भी लगाओ एक ही आंसर आएगा,
कहीं पर भी लगाइए एक ही आंसर आना है। यहां लगाओगे तब भी 1 2 4, यहां लगाओगे तब भी 1 2 4, यहां लगाओगे तब भी 1 2 4, यहां लगाएंगे तब भी 1 2 4। तो पैरा पर कहीं भी लगाओ आपका एक टाइप का रहेगा, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक बार और थोड़ा देखना, मैंने क्या करा दिया था, एक बार यहां लगा रहे हैं तो क्या बना था, 1 2 3, 1 2 3 ट्राई करो, ठीक है ना। यहां लगाएंगे तब भी 1 2 3 ट्राई करो, तो ये और ये क्या हो गए सेम। अब मैं यहां लगाऊंगा 1 2 4, क्लियर है ना, 1 2 4, ओके बेटे। अब यहां भी लगाएंगे तो 1 2 4, बेटा ऑर्थो देगा दो, शायद ध्यान देना पीछे क्या बताया था मैंने अभी, ऑर्थो बनाएगा दो टाइप के और मेटा बनाएगा आपके तीन टाइप के और पैरा बनाएगा आपका एक टाइप का, क्लियर बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बेटे हमने चेन आइसोमर्स और पोजिशन आइसोमर्स कंप्लीट किया। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना अपने आप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर बेटे, ओके, थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू बेटे।